Good morning. Welcome to PAPS for a study for all zero to hero. आज का टॉपिक है सर दर्द, हेडक। कभी हमने सोचा है आखिर हेडक होता क्यों है, सर दर्द होता क्यों है और ये हमारे किस पार्ट में होता है? जब भी सर दर्द होता है सिंपली हम समझते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, स्कल्स में कहीं कोई डिसऑर्डर है, क्योंकि हमें पेन होता है, पेन की अनुभूति होती है, सिम्टम्स यही है। कहीं भी कोई डिसऑर्डर होता है हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। एक्चुअली इस सर में दर्द होता नहीं है, ये हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का डिसऑर्डर होता है, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से होता नहीं है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और सर के द्वारा अटैच होते हैं, इसलिए वो संदेश वहाँ भेजते हैं कि हमें जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना हमें मिल नहीं रहा है। तत्पश्चात हमें सर दर्द की अनुभूति होने लगती है। इसके कॉमन जो काउज हैं वो टेंशन है। आजकल कई तरह के टेंशन्स चलते रहते हैं जो कि हम नहीं लेना चाहते हैं। माइग्रेन है, हमारी आंखों का स्ट्रेन है, डिहाइड्रेशन है, लो ब्लड प्रेशर है, इस तरह के कई कारण हैं जो कि सर दर्द की अनुभूति कराते हैं। है आई में स्ट्रेन लेकिन हम सर की मालिश करते हैं, है टेंशन में हम। अब किस टेंशन में है तो हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग काउजेज हैं, लेकिन रिएक्शन सर में होता है, हेड में होता है। हेडक का ये मतलब नहीं है कि हमारे ब्रेन में दर्द हो रहा है, जो कि ब्रेन हमारे स्कल में है। कभी कभी दांतों में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, मसल्स पेन होते हैं, इन सब के कारण भी हेडक की उत्पत्ति होती है। कभी कभी हमारे मसल्स स्पैनिंग, नेक में स्पैनिंग होने लगता है एंड हमारा जो स्कल का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिकुड़ने लगता है या फिर अकड़न टाइप का एक हो जाता है, उससे भी सर दर्द की अनुभूति होती है। जब कभी भी सर में दर्द हो तो हमें उसके जड़ तक जाना चाहिए, ना कि सिर्फ सर दर्द की गोली लेकर के शांत हो जाना चाहिए। हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आखिर इसका रीज़न क्या है, व्हाई दिस विल बी हैपन। एक और बहुत ही तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, जितने भी एडल्ट वुमेन हैं उनका सर दर्द 4 times ज़्यादा होता है आदमी के सर दर्द से। यानी कि एडल्ट वुमेन गेट हेडेक 4 times मोर ऑफन देन अ मेन। कभी कभी हम आइसक्रीम खाते हैं उससे भी सर दर्द होता है, क्योंकि उसके कारण स्पैज्म ऑफ द ब्लड वेसल्स के कारण होने लगता है। तो यह है सर दर्द के कारण, और सही कारण जान करके हमें इसका उपाय करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।